विद्या भारती द्वारा संचालित ओम कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा दसवीं विषय संस्कृत तृतीय पाठ के जो प्रश्न उत्तर शेष रह रहे हैं उनको हल करेंगे। तो भैया मेरा हमारा प्रश्न नंबर दो अलग था, ग्राम का क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देश करनी है, यानी मूल शब्द और लोक प्रत्यय बताना है इसमें से। पितृभूत्वम, पितृभूत्वम, पितृभू मूल शब्द है पितृभू और प्लस त्व प्रत्यय है, पितृभू प्लस त्व। पूर्णभूत्वम, पूर्णभू प्लस त्व। स्वत्वम, स्व प्लस त्व प्रत्यय। शिक्षणिया, शिक्षक मूल शब्द है शिक्षक और एनियल प्रत्यय। आवृत्त, आ उपसर्ग है वृत्त धातु है लय प्रत्यय, आ प्लस वृत्त प्लस लय आवृत्त। भवितुम, भू धातु और तुम प्रत्यय भवितुम हो जाएगा। अवलंब, अव उपसर्ग है लंब धातु है और लय प्रत्यय। हित्वा है प्लस त्वा प्रत्यय, है प्लस त्वा त्वा। गर्गेशी गुरु मूल शब्द है गुरु और इयसुम प्रत्यय। संस्कृति मताम, संस्कृति प्लस मतु प्रत्यय, संस्कृति मतु प्रत्यय। तो ये हमारे प्रश्न नंबर दो था, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय बताना था। पितृभूत्वम, पितृभू प्लस त्व प्रत्यय। पूर्णभूत्वम, पूर्णभू प्लस त्व प्रत्यय। स्वत्वम, स्व प्लस त्व प्रत्यय। शिक्षणिया, शिक्ष प्लस एरिया। आवृत्त, आ प्लस वृत्त प्लस लय। भवितुम, भू प्लस तुम। अवलंब, औ प्लस लंब प्लस लय। इत्वा, है प्लस त्वा। गर्यसी, गुरु प्लस यसु। संस्कृति मताम, संस्कृति प्लस मतु। अधोलिखित तानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करनी है। हिमाद्रि, हिमस्य अद्रि, यानी समास विग्रह करना है उनको, समास युक्त पद का समास विग्रह करना है। हिमाद्रि, हिमस्य अद्रि। देव निर्मितम, देवई निर्मितम, ये षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास। विश्वाणम, विशेष्य वाणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। पंच द्वंद्व समास, शास्त्र चर्चा, शास्त्राणां चर्चा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अधोलिखित पदेषु मूल शब्द विभक्ति, यानी मूल शब्द और विभक्ति हमको बताना है इसमें। समुद्रस्य मूल शब्द है समुद्र, षष्ठी विभक्ति एकवचन। हिमाद्रि, हिमाद्रि मूल शब्द है षष्ठी विभक्ति एकवचन। हिमालय, हिमालय मूल शब्द है पंचमी एकवचन। देशम, देश मूल शब्द है द्वितीया एकवचन। पुरुषा, पुरुष प्रथमा बहुवचन, राम के समान चलेगा इसका। प्रसूतस्य प्रसूत षष्ठी एकवचन। सकाशात, सकाश प्लस सकाश पंचविभक्ति एकवचन। दृष्टि, दृष्टि द्वितीया एकवचन। यया, यत मूल शब्द है तृतीय विभक्ति एकवचन। दसवां शब्द है यश, यत मूल शब्द है षष्ठी विभक्ति एकवचन। तस्य, तद शब्द पुल्लिंग में है षष्ठी विभक्ति एकवचन। राष्ट्र, राष्ट्र सप्तमी विभक्ति एकवचन। राष्ट्रियां, राष्ट्रीय द्वितीया बहुवचन। विधे, विद्या प्रथमा द्विवचन। शास्त्रेण, शास्त्र तृतीया एकवचन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित
धातु लकार पुरुष वचन निर्देशन कुर्वन्तु गायति मूल धातु गई लट लकार प्रथमा बहुवचन भवन्ति भू लट लकार प्रथमा बहुवचन रोचते रुच धातु लट लकार प्रथमा एक वचन पश्यन्ति दृश्य धातु लट लकार प्रथमा एक वचन विद्यते विद धातु लट लकार प्रथम एक वचन एहति एह लट लकार प्रथम एक वचन भवत भू लट लकार प्रथम द्विवचन प्रवर्ते प्र प्लस वृत्त धातु प्र उपसर्ग वृत्त धातु लट लकार प्रथम एक वचन। धन्यवाद।